सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ हम किसको कहते हैं? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसके जो दो एटम्स है उसके न्यूक्लियस के बीच में कितनी दूरी है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। नाउ न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस का जो है प्लूरल है, ठीक है। तो क्या मतलब है इस बॉन्ड लेंथ का? मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल अब एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। अब जो ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये जो न्यूक्लियस है, अब इसका एक एटम का, इसका भी न्यूक्लियस होगा, दूसरे एटम का भी न्यूक्लियस होगा। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में कितनी दूरी है इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। नाउ अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनके ऊपर जो है बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, मतलब बॉन्ड लंबा होगा या छोटा होगा, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है ना। फर्स्ट हम आते हैं बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी पर, मतलब बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी, ठीक है। मतलब बॉन्ड की लेंथ जो है डिक्रीज होती है जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास AA है, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, अगर हमारे पास जो है सिंगल बॉन्ड होगा वो लंबा होगा, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है वो उससे छोटा होगा, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जो है सबसे छोटा होगा। सिंपल सी बात है कि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे वो उतने छोटे होंगे, और जितने कम बॉन्ड होंगे वो उतने ज़्यादा लंबे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा लंबा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो उससे थोड़ा कम लंबा होगा, ठीक है, और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो सबसे छोटे होंगे। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लाइसिटी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ेंगे उनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है, मतलब लेंथ जो है कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट फैक्टर। नाउ सेकंड हम आ जाते हैं सेकंड फैक्टर की ओर, साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। सिंपल सी बात है कि जितने बड़े हमारे पास एटम्स होंगे उतनी ही बड़ी उनके बीच में उनका उतना ही बीच में उतना ही बड़ा उनके बीच में डिस्टेंस होगा, और उतना ही बड़ा जो है बॉन्ड होगा। मतलब बॉन्ड लेंथ सिंपली जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हो गया हमारा बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी, मतलब बॉन्ड कितने हैं, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना छोटा होगा, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर कि एटम का साइज़ कितना बड़ा है। अगर हमारे पास एटम जो है बड़े बड़े साइज़ के होंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड भी जो है लंबा हो जाएगा। मतलब जितने बड़ा साइज़ होगा एटम्स का, बॉन्ड जो है उतना ही लंबा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम आते हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर। बॉन्ड एंगल किसको कहते हैं? बॉन्ड एंगल के लिए हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे पहले मैं ऑर्बिटल करवाऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक वीडियो में बच रहा था तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिख ली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमारे पास लोन पेयर बनेंगे या हमारे पास जो बॉन्ड पेयर बनेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक वीडियो में बच रहा था इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख ली, ठीक है, इसको हम अच्छे से बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास लोन पेयर होते हैं या हमारे पास जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होती है, उन रिपल्शन के कारण उनके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उस बॉन्ड को कहते हैं हम बॉन्ड एंगल। ये जो है अलग अलग मॉलिक्यूल में जो है अलग अलग आता है, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग जो हमारे पास पेयर्स होते हैं, लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर, उनमें अलग अलग आता है। नेक्स्ट हम आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की एंथैल्पी पर, कि बॉन्ड एंथैल्पी हम किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन अ गैसीय स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ना बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी मीन्स एनर्जी ही होता है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स वो वाली एनर्जी जो एक जो वन मोल पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर टाइप मतलब AA के बीच में बॉन्ड को अगर तोड़ना है, ठीक है, BB के बीच में अगर हमको बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, मतलब AB के बीच में अगर हमें बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, अब इन तीनों में बॉन्ड को तोड़ने के लिए अब पर्टिकुलर टाइप लेना है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स जैसे BB की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी, अगर मुझे वन मोल BB के बीच में बॉन्ड तोड़ने हैं तो कितनी एनर्जी लगेगी, उसको हम कहेंगे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी। उसी तरह से AA के बीच में जो बॉन्ड है,
ऐसे जो पर्टिकुलर टाइप मतलब ए ए टाइप के ही चाहिए सारे के सारे, ठीक है। ऐसे एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको जो है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर मेरे पास ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब एक एटम ए है एक एटम बी है, ठीक है, तो इसी टाइप के ए बी टाइप के वन मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम कहेंगे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी वो वाली एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी वो वाली एनर्जी है जो एक जो वन मोल पर्टिकुलर बॉन्ड के टाइप को तोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। सो देखिए, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन अ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट मतलब द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन अ गैसियस स्टेट मतलब फ्री स्टेट में होने चाहिए वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे सारे के सारे मॉलिक्यूल कंबाइन फॉर्म में नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल जो है अलग अलग चाहिए, एक मॉलिक्यूल अलग है दूसरा मॉलिक्यूल अलग है, तब की बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसको इससे जो है एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर जिनके ऊपर जो है बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, द स्मॉलर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, कॉन्सिक्वेंटली लार्जर वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास जितने छोटे मॉलिक्यूल होंगे, जितने छोटे छोटे हमारे पास एटम होंगे, उसके बीच में जो है बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। हमें पता है कि जितना छोटा साइज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जितने छोटे हमारे पास एटम्स होंगे उनके बीच में बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात है कि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर हमारे पास बड़े बड़े एटम्स होते तो क्या होता, उनके बीच के जो बॉन्ड होता वो वीक होता। हमें पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड बड़ा होगा, और बॉन्ड बड़ा होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर साइज छोटा हमारे पास है तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए। मतलब इस केस में जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी हमारे पास। छोटा अगर साइज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर, बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों जो है एक दूसरे के साथ ये मिलते जुलते हैं। अब बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर हमारे पास बड़े बड़े एटम है, अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसको तोड़ना जो है, अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड अगर लंबा है तो उसको तोड़ना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत लंबा बॉन्ड है, इसको तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। इस केस में जो है हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम लगेगी, हमारे बहुत कम एनर्जी है, इसको मैं इजीली जो है तोड़ सकता हूँ क्योंकि बॉन्ड जो है वीक है इसमें। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास छोटे छोटे अगर हमारे पास जो है बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास जो है छोटे छोटे एटम्स हैं और छोटे छोटे एटम होंगे तो बॉन्ड उनके बीच में छोटा होगा, छोटा बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ना जो है मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस ये वाला फैक्टर भी हमारा पूरा हो गया। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब जितना छोटा बॉन्ड होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। सो ये थे तीन टॉपिक, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, वैसे बॉन्ड एंगल को हम बाद में करेंगे, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।